क्या हो सकता है? डेंटिस्ट का भाई, डेंटिस्ट है उसके कुछ और ही तरह का है, तो मेंटिस जैसे ही कुछ कुछ कह सकते हैं, लेकिन उसको कुछ चला सीधा परछाई में भी दिख रहा, बड़ा तेजी से हिल रहा। सर किसी के समझ में आ रहा है क्या चीज है? नहीं इसकी सिर भी बिल्कुल मेंटिस जैसे ही हो सकता है बच्चा हो। आज जिस तरह से इसने जोड़े हैं तो प्रेयर कर रहा है। देखो आंखें भी मेंटिस जैसी हैं, मुंह भी मेंटिस जैसा है, बेबी मेंटिस। ये यहाँ कैसे आ गया? हो सकता है गर्मी के बारे बात ले रहे हैं वाटर में। ओ जी ये तो ग्लव्स के अंदर जाके बैठ गया। देखो दोस्तों ये है प्रेइंग मेंटिस, भी कह सकते हैं कि बेबी प्रेइंग मेंटिस। बहुत छोटा है और इतना छोटा है कि ग्लव्स के अंदर जाके बैठ गया आराम से। पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत हुई कि ये वाला वाटर भी था इतना छोटा, पहली बार देखा जो इतनी स्पीड से भाग रहे थे। उससे पहले जो देखा था वो तो ऐसा हल्का सीधा लग रहा था। ये तो जो है कहाँ शुरू हो गया उसकी हरकत, वो डिस्को डांस वाली तीन चक आगे पीछे करेगा। दिखाओ जरा अपना डांस कहाँ है भाई, जो 90s का ऐतिहासिक डांस होता है ना वो दिखाओ हमारे को। ये देखो उसका आगे का हाथ जो है जुड़ा हुआ है, ये जो ग्रीन से कलर का दिख रहा है आगे, इसका प्रार्थना करता हुआ हाथ है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रेइंग मेंटिस। अब हम इसके पास और चलेंगे, इससे ज़्यादा पास नहीं जाएंगे वरना ये हमें देख लेगा और फिर सन्नाटे में। तो ये जो ऊपर येलो कलर के दिख रहे हैं ये तो उसकी आंखें हैं, जो कि हमने बड़े वाले के देखे थे तो उसके ग्रीन कलर के थे। हो सकता है ये कुछ और ही वैरायटी हो क्योंकि इसकी पूरी बॉडी येलो कलर की दिख रही है पीछे से, और एंटेना देखो कैसे हिल रहा है, वाइब्रेशन मोड में है एंटेना। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सेलफोन की बात कर रहा हूँ, ये वाइब्रेट मोड भी ऑन है भाई इसका। फोर है लेंस इसके काम करने वाले, जो दो मेन हैंगे आगे वाले वो तो ये हमेशा जोड़ के रखता है। प्रभु जी मेरी लाज रखो। हाँ ये बात है, गाना भी गाना हुआ जरूर, मेरी रक्षा करो, ये बस हमेशा ऐसे ही करता है। बस जंप बहुत लंबी मारता है ये, और सुन लिया उसने, देखो 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 कैसे देख रहा हूँ पर। हाँ मैं पास ले आता हूँ, ये देखो ऊपर देख रहा हूँ मेरे को। अब यहाँ तो ये मेरे ऊपर जंप मारेगा और यहाँ फिर ये सेलफोन के ऊपर कूदेगा। माल की बात है ना, इसने मेरी आवाज़ पहचान ली है इनसे, कोई तो है मेरे सिर के ऊपर खड़ा, मुझे जाने दो। हाँ ये देखो मूवमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, पीछे देख लिया मेरी सिस्टर को भी, अभी उसको देख रहे हैं। ये दूसरा बंदा कौन खड़ा है बेंगा। तो जैसा कि ये अब हुआ ये डांस प्रोग्राम शुरू हो गया। देखो गाना भी गाना जरूरी है, तभी तो बनता है कुछ समा। देखो ये भाई साहब ये ग्लव्स हैं, ये कोई घर नहीं है, तो यहाँ पर बैठ गए आराम से। अच्छा डांस करेंगे, देखो जी ये जब घबराहट है तभी अपना डांस शुरू करता है। बंदा जो है डांस देखने में व्यस्त हो जाता है और इस बीच ये जो है अपना जंप मार के निकल लेता आगे। पिछली बार जंप मारी थी इसने कोई 4 फुट ऊंची,
मतलब ऊपर से नीचे को 4 फुट, बिना सोचे समझे बिना पैराशूट के कूद गया बेचारा। पता नहीं जान उसकी हड्डी बची कि नहीं बची। हाँ अब चलते हैं इसके और पास, इसको डराई कुछ करी। ये देखो जी आंखें कैसी हैं इसकी, क्रिस्टल जैसी, और हाथ है इसके पत्ती जैसे, और पैर इसके जैसे हैं सकुलेंट एकदम। जी हाँ ये सकुलेंट जैसे ही लग रहा है कुछ कुछ। अगर ये किसी पत्ती के ऊपर बैठा होता तो शायद ही इसको ढूंढ पाते हैं। एंटेना तो बड़े फास्ट चल रहे हैं, ये देख लिया उसने, ये देखो वाइब्रेट करके ही हमने मतलब पता लगा लेता है कि कोई पीछे है आसपास है कि क्या है। जैसे ही मेरे सिस्टर पास को हुई एकदम से पीछे को पलटा ये, और ये गड्डी चली इसकी। मैं निकला वो गड्डी ले निकल, मूड बना लिया देखो, ये देखो ये शुरू हो गया अभी तक दिन तक दिन। मैं निकला वो गड्डी लेकर रस्ते में दो मोड़, हम यहीं पे खड़े हैं अभी, जा कहीं नहीं रहे भाई, बोल पार जाए क्या। देखो अगर इसकी आंखें आप देख सको ना तो इसमें ब्लैक से रंग की स्पॉट सी होगी जो हिलती हुई दिखाई देगी। अब यार ये काटने वाला है या नहीं है ये तो पता नहीं कुछ, लेकिन ये बहुत सीधा साधा है इंसान है, मतलब ये इंसेक्ट बहुत सीधा साधा है। फिलहाल तो ये एंटीने से अपना वाइब्रेट करके देख रहा है कि यहाँ कोई है कि नहीं है। देखो प्रेइंग मेंटिस, और एक चीज मैं बताना भूल ही गया, ये फेड करता पत्तियों के ऊपर, हमारे प्लांट्स को जो है चटोरे की तरह चाट जाएगा ये, जैसे होते हैं ना प्लांट्स के शौकीन। ये वो देखो इसका वो आंखें दिख रही होंगी काली काली सी, स्टिपर स्पॉट दिखाई दे रही है ना, वो इसकी प्यूपल है। और ये हरे रंग की नाक है इसकी। लो जी पीछे कुछ करा इसने, उसे कुछ खाना सा निकाला उसने, पता नहीं क्या निकाला उसने काले से रंग का, शायद उसी के मुंह का पार्ट है। भाई साहब स्माइल, तो देखो ये छाया में कैसे दिखाई देता है, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली वो छाया है नीचे वाली और ये ऊपर, ये देखो जब कोई स्पेशल वर्क होता है तभी अपना आगे ना हाथ खोलता है, ये स्पेशल काम करना शुरू कर दिया इसके हाथ में। देख रहे हैं ये है गुजराती डांडिया। ए जीरे यार मेरे को ज्यादा गाना नहीं आता है गुजराती है। लगा तो वही, वैसे देखो डांडिया माल के उसने वापस रख लिया। तो जी जैसे कि अब दो गाने और रह गए हैं, पंजाबी का भांगड़ा कुछ और रिमिक्सेस वगैरह जैसे चलते हैं आजकल के, अगर ये वो भी दिखा देगा आपको तो उस गनीमत है। देखो क्या हैंड्स हैं, जानदार हाथ हैं इसके एकदम से जुड़े हुए, नो मैटर यही ये रीज़न है इसको प्लेइंग मेंटेस बोलते हैं। और कैसे चिकने एकदम ग्लेस लग रहे हैं जैसे कि कोई कांच के थ्रू देख रहे होते हैं हम। और इस बीच अगर ये खाना भी खा रहा होता तो वो भी दिखाई देता, ये इसके मुंह है देखो जी आगे की तरफ, दिस इज द हैंड्स एंड फीट, लुक एट हाउ क्लोजली पैक्ड इन द येलो आईज विद ब्लैक प्यूपल्स, दैट ब्लैक प्यूपल इज लुकिंग एट मी राइट नाउ, वेरी वेरी क्यूट, दैट्स हाउ ही फिगर्स आउट हु इज स्टैंडिंग बाय, नाउ ही इज कंफ्यूज्ड एंड लिटिल बिट इन द मोशन trying to figure out what's going on, why is this guy is putting light on my face, I don't like it, he doesn't want to dance anymore, look at the legs, oh wow incredible, he's got incredible speed, last time I saw one, that one was very lazy, he didn't want to move, in fact look at the legs,
ओह देयर ही इज लुकिंग एट मी नाउ, रबिंग हिज फ्रंट लेग्स और यू कैन सी फ्रंट हैंड्स, देयर इज द प्यूपल ब्लैक कलर स्पॉट. या ही रब्स हिज फ्रंट लेग एंड देन puts it back together. Anything else is going to do now. भाई साहब नेक्स्ट होता है भंगड़ा, चलो वो भी करके दिखा दो. ओ ढोली तारो ढोल बाजी, मैं ढोल लिया इधर. हाँ देखो सफाई हो रही है अभी तो, क्लीनिंग प्रोसेस. Most probably he has figured out that we are making a clip of him. Thank you, dear, for giving me this opportunity. तो दोस्तों ये है praying mantis. Yes, इसको अपना नाम मिला है अपने इन दो legs से जिसको ये आगे rub कर रहा है. Yellow color की eyes है इसकी, मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा वाला जिसकी green color की थी. और ये इसके एंटेना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों चल रहे हैं, इतनी तेज़ से वाइब्रेट कर रहे हैं जैसे सेल फोन टावर पकड़ लिया होता है कोई, सिग्नल पकड़ने की कोशिश में है ये छोटा मेंटिस. कहीं से ज़रूर कोई पत्ती पत्ती खा के आया ना. आगे बढ़ते हैं अब. ओके थैंक यू सो मच वॉचिंग, लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल. थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय.